लॉर्ड्स के मैदान में टीम इंडिया जीता हुआ मैच हार गई और इसकी पटकथा वैसे तो पूनम राउत के आउट होते ही लिख गई थी, लेकिन आखिरी 10 बॉल में जो हुआ वो कभी नहीं भूलने वाला था। 47 ओवर के बाद भारत का स्कोर 7 विकेट पर 215 रन था। इस वक्त टीम को जीत के लिए 18 बॉल में 14 रन की जरूरत थी और उसके 3 विकेट बाकी थे। इस वक्त शिखा पांडे और दीप्ति शर्मा क्रीज पर मौजूद थी। बॉल के मुकाबले जीत के लिए जरूरी रन बेहद कम थे और टीम की जीत तय लग रही थी। अगला ओवर जेनी गुन करने आई। स्ट्राइक पर शिखा पांडे थी, जिन्होंने गुन की पहली बॉल पर 1 रन ले लिया और टीम का स्कोर 216 रन हो गया। अब जीत के लिए सिर्फ 13 रन की जरूरत थी। 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर दीप्ति शर्मा ने भी 1 रन ले लिया और अब जीत के लिए 12 रन की जरूरत थी। 48वें ओवर की तीसरी बॉल जेनी गुन ने वाइड फेंक दी और टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 11 रन की जरूरत थी और जीत करीब करीब पक्की लग रही थी। अगली बॉल पर जबरदस्ती रन लेने की कोशिश में शिखा पांडे रन आउट हो गई और टीम का स्कोर हो गया 218 रन पर 8 और जीत के लिए 15 बॉल में 11 रन। 48वें ओवर की चौथी बॉल डॉट हो गई और अब 14 बॉल में 11 रन की जरूरत थी। 2 विकेट हाथ में थे। इसके अगली बॉल पर भी पूनम यादव रन नहीं ले पाई और 13 बॉल में 11 रन की जरूरत हो गई। 48वें ओवर की आखिरी बॉल पर भी पूनम रन नहीं बना पाई और टीम इंडिया को 12 बॉल में 11 रन की जरूरत थी। 49वें ओवर की पहली गेंद पर दीप्ति शर्मा आउट हो गई और अब टीम इंडिया को 11 बॉल पर 11 रन की जरूरत हो गई। 9 विकेट आउट हो चुके थे और अब मैच टफ हो गया था। अगली बॉल पर पूनम यादव फिर रन नहीं बना पाई और अब 10 बॉल पर 11 रन की जरूरत थी। 49वें ओवर की तीसरी बॉल पर पूनम यादव ने 1 रन ले लिया और अब जीत के लिए 9 बॉल में 10 रन की जरूरत थी। अब भी भारतीय फैंस की उम्मीद बची हुई थी। 49वें ओवर की चौथी बॉल, जो कि मैच की आखिरी बॉल भी साबित हुई, उस पर गायकवाड़ आउट हो गई और भारतीय टीम 10 रन से मैच हार गई। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।